नमस्कार, क्रिकेट में जरूर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल 2020 के स्टार्ट होने से पहले वाला फेज़ एक ऐतिहासिक फेज़ है, क्योंकि इस बार हमें सबसे ज़्यादा ट्रेड अराउंड 10 ट्रेड्स देखने को मिले और इस बार कई टीमों ने ऑक्शन से पहले बहुत सारे प्लेयर से बातचीत की और उन्हें ट्रायल्स पर भी बुलाया। तो आज के इस वीडियो में आपको उन 5 टीमों के बताने वाला हूँ जिन्होंने ऑक्शन से पहले 10 प्लेयर से बातचीत की है और बहुत हाई चांसेस है कि इन 10 प्लेयर को ये 5 टीम खरीद भी ले। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने नजर आ रही होगी। इस लिस्ट में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले मुंबई इंडियंस की टीम की, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम ने 4 प्लेयर से बातचीत की है। नाम कुछ इस प्रकार है, टॉम बेंटन, पप्पू रॉय, अवनेश सुधा और डेल स्टेन। जहाँ तक टॉम बेंटन की बात करें तो एक मंथ पहले ये रिपोर्ट निकल के आई थी कि मुंबई इंडियंस ने टॉम बेंटन की डोमेस्टिक टीम से पूछा है कि क्या वो आईपीएल 2020 खेलने के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं क्या वो अवेलेबल होने वाले हैं कि नहीं। फिर टॉम बेंटन का सामने से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने यही कहा था कि मैं मुंबई इंडियंस के लिए खेलना चाहता हूँ, यानी कि बहुत ही हाई चांसेस है कि टॉम बेंटन आईपीएल 2020 मुंबई इंडियंस के लिए खेले। अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अटैकिंग बैट्समैन है और मैंने भी इनके कुछ वीडियोज़ देखे थे, बहुत ही लंबे लंबे छक्के मारते हैं, बहुत ही अटैकिंग तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और इनका जो बल्लेबाजी करने का स्टाइल है वो पूरे केविन पीटरसन की तरह है। अगर पप्पू रॉय की बात करें, पप्पू रॉय ओडिशा के स्पिन बॉलर है। लिस्ट टीम में इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, जहाँ पे 17 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 4.3 की इकोनॉमी से इन्होंने 27 विकेट्स लिए थे और पप्पू रॉय को मुंबई इंडियंस की टीम ने अक्टूबर में ट्रायल में बुलाया था। अगर अवनेश सुधा की बात करें तो उत्तराखंड के प्लेयर है, डोमेस्टिक लीग्स यानी कि रणजी ट्रॉफी और विजय अजय ट्रॉफी खेलते हैं और इसमें इनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक ऑलराउंडर है, जहाँ पर विजय अजय ट्रॉफी में इन्होंने 7 मैचेस में 284 रन बनाकर 5 विकेट लिए थे और इनको भी अक्टूबर में मुंबई इंडियंस ने ट्रायल में बुलाया था। जो चौथा नाम इस लिस्ट में मौजूद है वो है डेल स्टेन का। डेल स्टेन से रिलेटेड जो खबर निकल के आई थी उसमें यही कहा गया था कि मुंबई इंडियंस डेल स्टेन ने बातचीत की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी फेक न्यूज़ थी। जहां पर जब आरसीबी ने डेल स्टेन को रिलीज़ किया और डेल स्टेन की तरफ से स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि अगर मैं आईपीएल 2020 खेलता हूं तो मैं मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलना चाहता हूं। उन्होंने खाली स्टेटमेंट दिया था, कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस एक स्टेटमेंट को गलत तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की। जो दूसरी टीम इस लिस्ट में मौजूद है वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने मुंबई इंडियंस की तरह टॉम बेंटन से बात की थी। उन्होंने भी टॉम बेंटन के डोमेस्टिक टीम से यही पूछा था कि क्या वो आईपीएल 2020 में अवेलेबल रहने वाले हैं कि नहीं। बहुत ही अच्छे फॉर्म में, इंग्लैंड के अभी बेस्ट इनफॉर्म बैट्समैन है। यहाँ पर वाइटेलिटी लीग में 42 की एवरेज, इन्होंने 549 रन बनाए थे और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 160 प्लस था, जो प्लस पॉइंट रहने वाला टॉम बेंटन का। और जिसके वजह से चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको कॉन्टैक्ट किया था वो यही था कि वो विकेट कीपर बैट्समैन है और चेन्नई सुपर किंग्स को इसी एक तरह की बैट्समैन की दरकार है जहां पर वो सैम बिलिंग को रिप्लेस कर सकते हैं और एक परफेक्ट प्लेयर रहने वाले हैं ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। इस लीग में तीसरी टीम मौजूद है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम, और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सबसे ज्यादा 5 प्लेयर को अप्रोच किया है। नाम कुछ इस प्रकार है, जॉर्ज गार्टन, नूर अहमद लखनवाल, नवीन उल हक, रहमानुल्ला गुरजान और करीम जन्नत। जहाँ तक जॉर्ज गर्टन की बात करें तो इंग्लैंड के प्लेयर है, 22 इयर्स के, काउंट्री क्रिकेट में इनका फॉर्म बहुत ही अच्छा था, जब 13 मैचेस में इन्होंने 28 विकेट्स लिए थे। वहीं अभी T10 लीग भी खेल के आ रहे हैं और वहाँ के बेस्ट बॉलर रहे थे और इनको बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का ट्रॉफी भी मिला था। अभी राजस्थान रॉयल्स के पास सिर्फ एक ही फॉरेन फास्ट बॉलर मौजूद है और इसी के वजह से उनको एक और फॉरेन फास्ट बॉलर खरीदना है और वो जॉर्ज गर्टन के ऊपर नज़र गड़ा के रखी है, जहाँ पर उन्होंने इनको ट्रायल्स में बुलाया है। अभी इनका ट्रायल कैंप भी चल रहा है जहाँ पर जोफ्रा आर्चर के साथ इन लोगों को एक और बॉलर की ज़रूरत है और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाले हैं क्योंकि अभी अच्छे खासे फॉर्म में भी है और ये इनको लेस प्राइस में मिल जाएंगे। जहाँ तक बचे हुए 4 प्लेयर की बात करो, चारों के चारों अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। नूर अहमद तो सिर्फ 14 ईयर्स के और एक स्पिनर है, वहीं नवीन उल एक फास्ट बॉलर है और ये अंडर 19 के कप्तान भी रह चुके हैं अफगानिस्तान के। रहमानुल्ला एक बैट्समैन है और करीम एक फास्ट बॉलर है। जो चौथी टीम इस लिस्ट में मौजूद है वो है कोलकाता राइडर्स की टीम। जो न्यूज़ निकल के आ रही थी उसमें यही कहा जाता है कि कोलकाता राइडर्स ने युवराज सिंह को अप्रोच किया है। दरअसल ये बात तब शुरू हुई जब कोलकाता राइडर्स की टीम ने क्रिस लिन को रिलीज़ किया और ये डिसीजन युवराज सिंह तो एकदम भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए यही कहा कि ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है। उसके बाद कोलकाता राइडर्स की तरफ से एक ट्वीट आया, उन्होंने यही कहा कि हम लोग ने क्रिस लिन को इसलिए रिलीज़ किया ताकि हम लोग आपको खरीद सके और यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं कि युवराज सिंह आईपीएल 2020 नहीं खेल सकते, वो एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद फॉरेन लीग्स खेलना शुरू कर दिया है
और बीसीसीआई के रूल्स के मुताबिक अगर आप फॉरेन लीग खेलते हैं तो आप बीसीसीआई के अंदर नहीं खेल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तो थी वो पांच टीमें जिन्होंने 10 प्लेयर्स को अप्रोच किया है, और ये तो थी सभी 10 प्लेयर्स की और जो जितने भी इवेंट्स हुए इन सब से रिलेटेड उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।